going to be a very, very hard day up there. Let's have the very best. It's a great, great day and a very good meeting, so wishing you the best for everything. दीवारों और घर की खूबसूरती बदल जाती है. सो विश द बेस्ट एंड हर वाट आई थिंक एक बहुत ही अच्छी हालत. हाँ दिस आर्ट ही यू आर वेरी क्लोज टू. आप कितने आर्ट के लाइक शौकीन हैं? आपने कभी क्या पेंटिंग बनाई कुछ ऐसा? पेंटिंग आर्ट का शौक रखना और आर्टिस्ट है वो बहुत अलग चीज़ है. मैं उनमें से हूँ जिसे शौक है आर्टिस्टों का और काम का, एंड इसीलिए हार्ट ऑफ आर्ट से जुड़ा हूँ. एक ऐसी प्लेटफॉर्म जहाँ देश भर से आर्टिस्टों को एक मार्केट प्लेस पर लेके आना, उन्हें एक मौका देना अपने आर्ट को एग्जिबिट करने का, आई थिंक बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात भी है. इस बार आई थिंक आप 500 आर्टिस्ट को देख रहे हैं, बट आई थिंक प्रॉबेबली ऑनलाइन एक अपॉर्चुनिटी, एक मार्केट प्लेस और सारे आर्टिस्टों को एक साथ लाने का मौका एंड यूजर्स के लिए. वेरी आर्ट, अलग आर्ट, फोटोग्राफी, चाकोल आर्ट, लैंडस्केप हो, पोर्ट्रेट्स हो, वो देखने का मौका. और मैंने काफ़ी आर्टिस्ट ऐसे देखे जो नए हैं लेकिन बहुत ही बढ़िया. जी सी देखिए, हम सिर्फ कुछ आर्टिस्टों को जानते हैं क्योंकि हमें उनका काम देखने का मौका मिला. आई थिंक ये एक ऐसी जगह है जहाँ नए आर्टिस्ट, उभरते आर्टिस्ट, इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट सभी को एक साथ देखने की अपॉर्चुनिटी है. यंग यू नो होम ओनर्स जो चाहते हैं कि अच्छी आर्ट उनके घरों में रहे और इनके घरों को सवारे, मेक्स इट मोर ब्यूटिफुल. आई थिंक दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू कम सी एंड ऑल्सो इनक्रेज दीज वेरी आर्टिस्ट, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा देश के कोने कोने से आते हैं. बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है अपने काम को एग्जिबिट करने का. आई थिंक ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ वो मौका दिया जाएगा एंड होपफुली इट विल ओनली इम्प्रूव, गेट बेटर, बट प्रोवाइडेड उतनी एनकरेजमेंट उन्हें मिले. कोई भी प्रोजेक्ट अकेले नहीं चलता, टीम की ज़रूरत होती है, साथ साथ में मेंटर की भी ज़रूरत होती है. कोई पर्सन ऐसा हो जो हमें गाइड कर सके, हमें समय समय पर बता सके कि हम इसको बड़ा और ग्रैंड कितना कर सकते हैं, कितना हम इसको एक्चुअल बायर्स, क्योंकि हमारे लिए आर्टिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन आर्टिस्ट के लिए बायर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना काम करना है, हम कितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स के पास पहुंच सके, अच्छे लोगों के पास अपने हार्ट ऑफ आर्ट को लेकर जा सके, हमारे आर्टिस्ट को लेकर जा सके, उस चीज़ के लिए सुनील शेट्टी सर जैसे पर्सनैलिटी का हमारे साथ जुड़ना, हमारे साथ उनका मेंटरशिप करना, हमारे साथ में उनका इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आर्टिस्ट किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकते हैं उनके लिए उनका सपोर्ट, फिर हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए उनका सपोर्ट बहुत मायने रखता है. एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल ऑफ हिम कि वो इस इवेंट के हमारे पार्ट बने, इस प्रोजेक्ट के हमारे पार्ट बने हैं. एंड वी होप दैट कि ये जो सबका ड्रीम कम ट्रू होगा, इंक्लूडिंग आर आर्टिस्ट ऑल्सो. जैसे कि ज्योति मैडम ने कहा कि ग्रैंड करना जो है किसी भी इवेंट को तब पॉसिबल होता है जहाँ पे खुद जो है खुद हम काम कर रहे हो, हमारे ऊपर एक गाइडेंस हो. दूसरी बात ये है कि हमने कभी ना सरस्वती माता को देखा नहीं है हम, तो ये आर्टिस्ट ही होते हैं चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो पेंटिंग बनाते हो, चाहे वो एक्टिंग करते हो, चाहे वो सिंगिंग करते हो, तो इनके ही थ्रू हमें उनके दर्शन हो जाते हैं.
तो वी आर थैंकफुल कि ये सारे आर्टिस्ट के को हम थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने साक्षात सरस्वती से हमारा साक्षात्कार कराया है। थैंक यू वेरी मच एवरी वन। कार्ड्स लिया है और ज़रूर लूँगा बिकॉज आई लव आर्ट, आई जेन्यूनली लव आर्ट। अगर घर में भी देखोगे तो प्लेन वॉल्स होंगे लेकिन आर्ट और मेरी ग्रीन्स यही है जो मुझे खुशी देती है, एक सेटिस्फैक्शन देती है। और जैसे मैम ने कहा कि यू नो साक्षात सरस्वती माँ इन आर्टिस्टों में है और उनकी कला में है और उनके हुनर में, तो आई थिंक इसीलिए इतना अच्छा काम करते हैं। और आप उनको भी देखिए तो इतने काम और कंपोज लगते हैं। आई थिंक वही एक ब्यूटी है आर्टिस्टों की। और थ्रू आर्ट ऑफ आर्ट हम यही चाहेंगे कि ऐसे आर्टिस्ट को हम इनक्रेज करें और जिस तरीके भी हम उन्हें एंड यूजर तक पहुँचाए, बायस तक पहुँचाए, ये कोशिश हमारी होगी। आई थिंक इट्स लाइक एनकरेजिंग टैलेंट इन द इंडस्ट्री ऑल्सो। मैंने हमेशा यंग आर्टिस्ट को इंडस्ट्री में भी एनकरेज किया। मेरी अपनी प्लेटफॉर्म है FTC जहाँ हम यंग टैलेंट को एनकरेज करते हैं। तो यही है वो एक आर्ट का प्लेटफॉर्म जो हम पुश कर रहे हैं। आई थिंक मैम बताएंगी आपको द थॉट बिहाइंड इट, द रीज़न। वो ही फाउंडर्स है और यू नो यंग आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी देने की एक प्लेटफॉर्म है और यही कोशिश कर रहे हैं। द सेम टीम इज़ ट्राइंग टू डू इट फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो, फिल्म इंडस्ट्री को एक साथ जोड़ने के लिए, आर्टिस्ट को जोड़ने के लिए, टेक्नीशियंस को जोड़ने के लिए, वेंडर्स को जोड़ने के लिए। यही एक कोशिश है कि ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म, एक एग्जीबिशन क्रिएट करें जहां देश भर से टैलेंटेड लोग और यू नो वेंडर्स मेंबर्स आए एंड एग्जिबिट देयर प्रोडक्ट्स। अ वन स्टॉप शॉप फॉर सिनेमा। आई थिंक ये बिगनिंग है, कोशिश ये है। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि 500 प्लस आर्टिस्ट है, 10,000 प्लस वर्क्स है, तो कोशिश यही रहेगी कि ये बड़ा हो जाए। और बड़ा तब होगा जब सक्सेसफुल होगा, लोग आएंगे। हमारे आने से या आर्टिस्ट के आने से एक शुरुआत ज़रूर होती है, लेकिन जब लोग आते हैं, लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, लोग उनके आर्ट को खरीदते हैं, अपने घरों में सजाते हैं, तब जाके वर्ड ऑफ माउथ और पब्लिसिटी होती है। और आर्टिस्ट जितने जितना अपना काम बेच सकेगा उतना ही काम वो बना सकेगा, वरना इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। जी हाँ, इस इवेंट के बाद में हमारे कंटिन्यूस, जैसे कल भी मैंने बताया था कि हमारे कंटिन्यूस शोज होंगे जो बेंगलोर में है, दिल्ली में है। दिल्ली में दो बार होने वाले हैं, जनवरी में और जुलाई में। और उसके बाद में इंटरनेशनल शो हमारा स्टार्ट होगा अप्रैल में, दुबई से जब हम स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह से हमने इंडिया में सीरीज़ बनाई है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, उसी तरह से हम इंटरनेशनल सीरीज़ बनाएंगे विच विल बी लाइक दुबई, सिंगापुर, जापान, जहाँ पे बहुत अच्छे आर्ट के अप्रिशिएटर्स है। ऐसे सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर हम अपने इंडियन आर्टिस्ट को लेकर जाएंगे। कल भी मैंने बात कही थी, आज मैं फिर रिपीट करूँगी कि इंडिया के में बाइंग होती है, इंडिया में लोग आर्ट परचेस करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल आर्ट इंडिया में आता है। लेकिन हमारे पूरे कॉन्सेप्ट का ये मोटो है कि इंडिया का जो आर्ट है, इंडिया के आर्टिस्ट, इंडिया का टैलेंट जो है वो इंटरनेशनली जाए। तो दिस प्रोजेक्ट विल कीप ऑन गोइंग। इसके अंदर हम एक ऐड ऑन, एक और चीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं कमिंग फ्यूचर के में, कि जिस तरीके से पेंटिंग एक आर्ट है, उसी तरीके से एक्टिंग, म्यूज़िक, ड्रामा, ये भी एक आर्ट है। और इसके लिए हम एक और प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड फिल्म एक्सपो, जो बहुत जल्दी हम रिलीज़ करेंगे। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और विच विल बी समथिंग सिमिलर टू दिस फॉर द पीपल हु आर कनेक्टेड विथ फिल्म इंडस्ट्री, लाइक यू, मी एंड एवरी वन, विथ सर्स अंडर एज अ मेंटरशिप एंड विथ FTC एज अ गाइडेंस पार्टनर विथ अस। तो ये हम एक प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेकर आने वाले हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड आर्टिस्ट। सो फिल्म के भी जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। अभी फिल्में तो बन रही है, अब जब रिलीज पे आएंगे तो बात करेंगे तो बेटर है। अब फिलहाल हार्ट ऑफ आर्ट इन आर्टिस्टों को इनकरेज करना, उन्हें प्रोजेक्ट सही करना,
is the need of the hour.